नमस्कार दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो पे स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग हाजिर होने को विवश करने के लिए जो आदेशिकाएँ थी, तीन टाइप की थी, जिसमें दो प्रकार को हम लोगों ने जिक्र कर लिया है। अगर आपने समन वाला पार्ट नहीं देखा है तो आपको आई बटन पर मिल रहा होगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर आपने वारंट वाला पार्ट नहीं देखा है तो आपको भी वह भी आई बटन पर मिल रहा होगा, आप वहाँ से ज़रूर देखें। अगर आपको यहाँ ना मिले तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट में जा कर के आप वहाँ से भी विजिट करके देख सकते हैं। तो आज इसके तीसरे पार्ट जो कि उद्घोषणा और कुड़की है, प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट है, इसके बारे में हम लोग पूरी तरीके से जानकारी इकट्ठा करेंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, सारी संभावनाएँ और सारे प्रकार के तथ्यों को इसमें कवर किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला जो धारा है वो धारा 82 है, जिसमें लिखा हुआ है फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा, प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग। अगर कोई व्यक्ति जो फरार हो गया है उसके लिए किस प्रकार से उद्घोषणा किया जाता है, न्यायालय क्या क्या उद्घोषणा करती है, क्या क्या पहलू उसमें दिया जाता है और किन किन तथ्यों का जिक्र होता है, उन सारे चीज़ों को हम लोग सूक्ष्मता से उसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जो पहला क्लॉज इसमें कहता है, पहले क्लॉज में लिखा हुआ है कि यदि किसी न्यायालय को यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध उसने वारंट जारी किया है फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे वारंट का निष्पादन नहीं किया जा सकता, तो ऐसे न्यायालय उससे यह अपेक्षा करने वाली लिखित उद्घोषणा प्रकाशित कर सकता है कि वह व्यक्ति विनिर्दिष्ट स्थान में और विनिर्दिष्ट समय पर, जो उस उद्घोषणा के प्रकाशन की तारीख से कम 30 दिन पश्चात का होगा, हाजिर हो। सीधा सीधा कहा गया कि न्यायालय जिसके लिए वारंट जारी कर दी है और ऐसा लग रहा है कि वो फरार हो गया है या अपने आप को छुपाव हासिल कर रहा है कि गिरफ्तारी उसकी ना हो पाए और वारंट का निष्पादन नहीं हो रहा है, तो न्यायालय क्या करता है, एक लिखित उद्घोषणा उसके बारे में निकालता है, प्रकाशित करता है और उसमें जिस डेट को वह प्रकाशित हो रहा है उस तारीख से कम 30 दिन के पश्चात तक उसको हाजिर होने की तिथि उसको दी जाती है। अब उस जो उद्घोषणा में है उसमें क्या क्या लिखा जाता है इसके बारे में देखें तो क्लॉज दो उसी का कहता है 82 का कि उद्घोषणा में निम्नलिखित रूप में प्रकाशित की जाएगी, मतलब उद्घोषणा में क्या कंटेंट होगा। कहता है उस नगर या ग्राम के जिसमें ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है किसी सहजदृश्य स्थान के सार्वजनिक रूप से पढ़ी जाएगी, मतलब कि जिस नगर निवासी जहाँ का वह रहने वाला व्यक्ति है वहाँ के पूरे नगर और ग्राम में जो है जहाँ पर कि वो सारी सहज दृश्य हो, मतलब सभी लोग देख सके, जैसे पेड़ हुआ, नोटिस बोर्ड हुआ, कोई दीवार हुआ, पोस्टर, पैम्पलेट्स, इस तरह के वो सार्वजनिक रूप से उसके बारे में चिपकाया जाएगा। वह उस गृह या वास स्थान के जिसमें ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है किसी सहज दृश्य भाग पर, ऐसे नगर या ग्राम के किसी सहज दृश्य स्थान पर लगाई जाएगी। मतलब अब अगर वो कहीं निवास कर रहा है, उसका निवास स्थान है, तो उसके सहज दृश्य वाले क्षेत्र में, उसके दीवार पर, मेन गेट पर, इन जगहों पर भी उसको चिपकाया जाएगा। उसकी एक प्रति उस न्याय सदन के किसी सहज दृश्य स्थान पर लगाई जाएगी, मतलब कि जिस न्यायालय से वो प्रकाशित हुआ है वहाँ पर भी उसको एक सहज दृश्य स्थान पर भी लगाई जाएगी कि ये उद्घोषणा जो है न्यायालय से जो निकली है उस पर इम्प्लीमेंटेशन अमल किया गया है। दूसरा क्या बोल रहा है कि यदि न्यायालय ठीक समझे तो यह निर्देश दे सकता है कि उद्घोषणा की एक प्रति उस स्थान में परिचालित किसी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित की जाए जहां ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है, मतलब लोकल एरिया का जो न्यूज़पेपर है उसने न्यूज़पेपर में भी एक इश्तेहार के तौर पर आप अभी भी देखते होंगे न्यूज़पेपर में हमेशा आते रहता है तलाशी है इस तरह करके निकलता है, तो वो उसी तरह की उद्घोषणा वो न्यायालय से निकली होती है। इसके बाद कह रहा है तीसरा क्लॉज, उद्घोषणा जारी करने वाले न्यायालय द्वारा यह लिखित कथन कि उद्घोषणा विनिर्दिष्ट दिन उपधारा दो के खंड एक में विनिर्दिष्ट रीति से सम्यक रूप से प्रकाशित कर दी गई है,
कर दी गई है, इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि इस धारा की अपेक्षाओं का अनुपालन कर दिया गया है। यह उद्घोषणा उस दिन प्रकाशित कर दी गई थी। मतलब कि अब यह है कि उद्घोषणा कर दी गई है, इसका क्या साक्ष्य है? तो साक्ष्य में यही चीज बता रहा है कि उपधारा दो के खंड एक में, जैसे किसी ग्राम में उस जहां वो रह रहा है वहां पेस्ट कर दिया गया, न्याय जहां से इशू हुआ है वहां पेस्ट कर दिया गया, जहां वो निवास कर रहा है वहां उसे पेस्ट कर दिया गया है, तो इस तरीके से ये माना जाएगा कि वो उद्घोषणा जो है उस दिन ही प्रकाशित कर दी गई है जिस दिन ये कार्यवाही की गई है। इसके बाद क्लॉज कहता है क्लॉज फोर कि जहां उपधारा एक के अधीन प्रकाशित की गई उद्घोषणा भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 304, 364, 367 आदि बहुत सारी धाराएं हैं, 402, 307 इस तरीके से है, 302 के अधीन दंडनीय अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के संबंध में है और ऐसा व्यक्ति उद्घोषणा में अपेक्षित विनिर्दिष्ट स्थान और समय पर उपस्थित होने में असफल रहता है, तो न्यायालय तब ऐसी जांच करने के पश्चात जैसी वह ठीक समझता है उसे उद्घोषित अपराधी प्रकट कर सकेगा और उस प्रभाव की घोषणा कर सकेगा। मतलब उपधारा एक के अधीन अगर उद्घोषणा की गई है, दंड संहिता के कुछ धाराएँ जो स्पेसिफिक इसमें वर्णन दिया गया है, और उसके स्थान पर उद्घोषणा में जो अपेक्षित विनिर्दिष्ट स्थान और समय पर उपस्थित होने में वो असफल रहता है, मतलब इस उद्घोषणा के बाद अगर वो अपराधी वो अभियुक्त वहाँ नहीं आता है तो यह माना जाएगा कि वो फरार उसको घोषित कर दिया जाएगा। और अंतिम क्लॉज है कि उपधारा दो और उपधारा तीन के उपबंध न्यायालय द्वारा उपधारा चार के अधीन की गई घोषणा को उसी प्रकार लागू होंगे जैसे उपधारा एक के अधीन प्रकाशित घोषणा को लागू होते हैं। अब जैसे कि इन सारी धाराओं जो ऊपर हमने जिक्र किया दंड संहिता, इसके तहत भी अगर कोई विनिर्दिष्ट जो समय है जिस स्थिति में न्यायालय में उपस्थित होना था नहीं होता है तो यह माना जाएगा कि उसे भी उसके लिए भी उद्घोषणा या फरार उसको घोषित कर दिया जाएगा और उपधारा एक के अधीन उसके अंतर्गत भी उद्घोषणा लागू होगी। तो संभवतः आशा करता हूँ कि धारा 82 आपको पूरी तरीके से सेक्शन 82 समझ में आ गया होगा। दो और इम्पॉर्टेंट धाराएं हैं यहाँ पर जो आपके परीक्षा के मद्देनजर काफ़ी महत्वपूर्ण है और जानना भी जरूरी है। उसमें है 83, धारा 83 है फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की। अब क्या है, जो व्यक्ति को उद्घोषित अपराधी घोषित कर दिया गया है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया गया है, उसे क्या करेगा, उसके संपत्ति की कुर्की कौन करेगा? तो न्यायालय उसके बारे में जो है निकालेगा, कुर्की करने के लिए आदेश देगा और कुर्की में जंगम और स्थावर, या तो जंगम या स्थावर या दोनों प्रकार की संपत्तियों का जो है कुर्की की जाएगी। और अंतिम धारा इस वीडियो में है जो इम्पॉर्टेंट है वो 85 है कि अब ये कुर्की तो हो गया लेकिन उस कुर्की का अगर समान कुर्की हो गई, कुर्की के बाद वो व्यक्ति हाजिर हो जाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं विवश करना। अब मान लीजिए कि किसी कोई अपराधी है, कोई अभियुक्त है, उसने कोई ऑफेंस अपराध किया है और वह घर से दूर भाग कर रह रहा है और वह कभी नहीं चाहेगा कि उसके घर वाले को किसी प्रकार की परेशानी हो, तो जब कुर्की होती है तो घर के सारे सामान सब कुछ यहाँ तक कि बर्तन तक को कुर्की कर लिया जाता है, क्योंकि यह एक तरह से उनको मजबूर किया जाता है, उनके पास किसी न किसी तरह से सिम्बॉलिक वो न्यूज़ जाता है, उनके पास यह खबर जाती है कि आपके घर से इस तरह की घटनाएं हो गई हैं, तो ऐसा होने पर वो व्यक्ति मजबूरन जो है अपनी हाजिरी जो है देता है और जब वो हाजिर हो जाता है तो फिर उसकी जो संपत्ति है उसे वापस करना वो एक कानूनन अधिकार है। तो वही इसमें कहा गया है, कुर्क की गई संपत्ति को निर्मुक्त करना, विक्रय और वापस करना, मतलब कि अगर वो आता है तो छुड़ा भी सकता है और उसको वापस भी कैसे करेंगे ये है, और अगर नहीं आता है तो उसको फिर हम लोग क्या करेंगे, विक्रय की भी एक कंडीशन धारा 85 में दिया गया है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने कुर्की से संबंधित जो भी तीनों धाराएं थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसके बारे में हम लोगों ने जिक्र कर लिया है। संभवतः आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें और सारे क्लॉज समझ में आ गए होंगे। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जब तक आप किसी की मदद करते हैं तब तब आपकी मदद करने के लिए ऊपर वाला बैठा रहता है। अंत में इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी मित्रों का प्रेम पूर्वक धन्यवाद।